So welcome back to coordination compound, right? Coordination compound. और आज का टॉपिक है IUPAC नेमिंग रूल्स. ठीक है, रूल नंबर वन. व्हाट इज रूल नंबर वन? रूल कहता है कि वी ऑलवेज राइट कैटा एन फर्स्ट देन एन आई. जैसे कि हम हमेशा एन ए सी एल लिखते हैं ना, कभी हम सी एल एन ए लिखते हैं? क्यों नहीं लिखते भाई? यस, कैटा एन फर्स्ट एन आई एन बाद में. घुमा के भी लिख सकते थे बट आई यू पी एस ने मना किया कि नहीं लिखेंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे. सो राइट द फर्स्ट रूल. ये नहीं पता होगा, बिस ट्रिस टेट्राकिस
एंड एज ऑल, ठीक है, ऐसे यूज करना है.
देखो टोटल चार्जेस के ऊपर कितना हो गया प्लस वन, ठीक है, एनएच थ्री के ऊपर जो है वो न्यूट्रल लिगेंड्स है तो जीरो इंटू टू हो गया, अच्छा यहाँ पे बीच में माइनस साइन लगता है ना, और सीएल के ऊपर माइनस वन चार्ज, यही होगा ना। तो अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस टू नहीं होगा क्या, कैसे प्लस थ्री आ गया और तुम्हारा कैसे नहीं आ रहा है, क्या गलत हुआ रोशन? साइन मिस्टेक, ओके चलो तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब बोलो नाम किसका पहले लिखेंगे, कैटायन का, तो कैटायन में भी फॉलो रूल LCO, सबसे पहले लीगेंड का नाम, व्हाट इज लीगेंड हियर, ठीक है, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली है ना, एक से ज्यादा लिगेंड है तो गो फॉर अल्फाबेटिकली, तो पहले ये इसका नाम क्या है, एमाइन, और ये क्लोराइडो, ठीक है, सो एमाइन पहले आएगा कि क्लोराइडो पहले आएगा, एमाइन पहले आएगा, तो पहले लिख लो एमाइन, ठीक है। अब ये एमाइन कैसा है, दो एमाइन है, ठीक है, तो बिस, अच्छा ये मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है कि पॉलीडेंटेट है, बताइए, ये पॉलीडेंटेट है, सोचो सोचो, सब भूल के बैठ गए, पेज पलटो नहीं तो, कैसा डेंटेट है ये, डेंटिसिटी क्या है, इसके ऊपर प्लस वन चार्ज रहते हैं ना यार, थोड़ा सा उससे भी कॉन्क्लूड कर लो, मोनोडेंटेट है ये, ठीक है, तो मोनोडेंटेट होगा तो ये क्या होगा, बाई, ठीक है, बाई बाई बोल रहे, डाई, ठीक है, डाई एमाइन, डाई एमाइन हो गया, ये इसका नाम क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, क्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक है, हो गया। उसके बाद किसका नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम कैटायन में है तो कैटायन में क्या नाम होगा इसका, सिल्वर, वेरी नाइस, सिल्वर, और ऑक्सीडेशन नंबर तुमने इसी का निकाला था ना, तो बगल में ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, ठीक है, और वो क्या होगा, क्लोरीन नहीं होके यहां पे थोड़ा सा रिमेंबर क्लोराइड, ठीक है, डन, ओके, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें, ओके चलो नेक्स्ट वन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकला ना, बाहर से डंडा लेके आ रहे हैं आप, चलो निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, सो हियर द ऑक्सीडेशन नंबर इज टू, रोशन आ गया तुम्हारा भी, ओके नाम बोलो, नाम सबसे पहले हम कैटायन का लिखेंगे, तो यहाँ पे प्लस टू, यहाँ पे माइनस टू, हाँ पोटेशियम, टेट्रा, वेरी नाइस, आयोडाइडो, आयोडाइडो, बहुत बहुत सारे बुक में ना इसको स्टाइल मार के लिखा रहता है आइडो, चलेगा, एक्सेप्टेड, ठीक है, बहुत सारे बुक में लिखा रहेगा आयोडो, एक्सेप्टेड, बहुत सारे बुक में लिखा रहेगा मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, एक्सेप्टेड, कोई भी है चलेगा, ठीक है, बट ये आप लिख रहे हो तो बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, आयोडो, आयोडाइडो, फिर अच्छा मर्क्यूरेट तो इसका ये है ना, हाँ 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 क्या लिख लिया,
आयोडो, हाँ एच जी है ना, हाँ तो मर्क्यू, मर्क्यूरेट, ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर टू, ठीक है. सो आयोडाइडो, आयोडो दोनों में से कुछ भी चलेगा. डन. ओके एक और, एल आई ए एल एच फोर, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसके ऊपर प्लस वन चार्ज, तो यहाँ माइनस वन चार्ज. देखो कि होना क्या चाहिए, माइनस वन माइनस और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस वन ही बैठ जाएगा, प्लस वन इंटू फोर, वन इंटू फोर है ना, तो ये हो गया माइनस वन माइनस फोर, ये आंसर आ रहा है माइनस फाइव. ठीक है चलो जो आ रहा है. ठीक है नाम क्या लिखोगे, ए सिक्स किसका आया, कैसे आया, चलो बोलो कैसे लिखेंगे, नाम बोलो, नाम बोलो. हाँ लिथियम, लिथियम एल सी ओ, लिगेंड, लिगेंड कैसा है, क्या देखना है, कौन सा लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है. एनायनिक लिगेंड में हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है भाई, हाइड्राइडो. ठीक है क्या बोला जाता है, हाइड्राइडो. कैसा हाइड्राइडो है, फोर वाला, टेट्रा, टेट्रा हाइड्राइडो. ठीक है और सी सेंट्रल मेटल एटम, एनायनिक में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट, याद करो यार एल्यूमिनेट. ठीक है मैंने बोला था बिना याद किए हुए नाम नहीं लिख पाओगे. एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज पांच. ठीक है बिना याद किए हुए नहीं लिख पाओगे. चलो दो तीन क्वेश्चन दे दे, करोगे, हाँ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सी ओ सी एल एच टू ओ एन एच थ्री फोर एंड सी एल टू ए जी NH3 twice Cl. अच्छा एक तो ये करो, और एक ये वाला कर लो. DMG याद है ना सबको, वॉट इज डी एम जी, नहीं तो पलट के देखो मिल जाएगा. चलो ट्राई कर लो इसको, टाइम ले लो, ट्राई कर लो विद द फर्स्ट, स्टार्ट करो. चलो बोलो सबसे पहले काम चार्जेस लगाना. चार्ज यहाँ पे माइनस टू होगा, ये दिख रहा है तो ये प्लस टू हो जाएगा. ऑक्सीडेशन नंबर बोलो क्या आया है, प्लस थ्री, मेरा तो प्लस थ्री आया है, सबका आया है, अगर नहीं आया होगा तो मैं बता देंगी, आगे आया ना. चलो तो प्लस थ्री हो गया. अब नाम लिखना है मुझे एल सी ओ से, सबसे पहले स्टार्ट करना है किससे, कैटायन से, है ना. चलो नाम स्टार्ट करते हैं, कैटायन लिगेंड. लिगेंड में ना यहाँ पे देखो ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, तो सबका नाम लिख लेते हैं पहले. इसका क्या नाम होगा, क्लोराइडो. इसका नाम क्या होगा, एक्वा. इसका नाम क्या होगा, एमाइन. ठीक है तो
तो अब बोलो नाम कैसे लिखे? टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोराइडो, फिर कोबाल्ट, वेरी नाइस, थ्री क्लोराइड, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे बोलो, सबसे पहले नाम लिखना है कैटायन का, देन एनायन का, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो यहाँ क्या आया है, प्लस टू। भाई साहब ने गलती की, भाई साहब कहाँ गलती हुई, पूरा चार्ज प्लस वन माइनस इस, ये है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हो गया जीरो, ये हो गया माइनस वन, तो प्लस वन प्लस वन इस प्लस टू। भाई साहब कहाँ से गलती हो जाती है, ठीक है। चलो नाम बोलो, दिस इज दो लिगेंड है, ये एमाइन और ये क्लोराइडो, तो क्या नाम होगा, डाइएमाइन क्लोराइडो सिल्वर, वेरी नाइस, सिल्वर टू क्लोराइड, दिक्कत नहीं, ओके। चलो नेक्स्ट बोलो, व्हाट इज ईएन, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, सबसे पहले क्या आया, ऑक्सीडेशन नंबर फोर, तुम्हारा फोर, तो वेरी नाइस, प्लस फोर इज द आंसर, ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल सही है। अब नाम बोलो, नाम में सबसे पहले ईएन या फिर क्लोराइड हो, ईएन तो इथाइलीन से शुरू होता है भाई, तो इथाइलीन के पहले तो क्लोराइड आता है, तो ये कैसा क्लोराइड है, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, देन अरे बट डेंटेड, चेक द डेंटिसिटी, तो डेंटिसिटी इसकी कितनी होती है, सिक्स, कितनी होती है, स्ट्रक्चर तुमको याद ही नहीं है, स्ट्रक्चर याद करिए भैया, सिक्स डेंटिसिटी होती है, ठीक है। अगर सिक्स डेंटेट है तो मतलब क्या, पॉलीडेंटेट है ना, तो पॉलीडेंटमेंट में हम क्या लगाएंगे, बिस, ठीक है, तो बिस इथाइलीन डाइएमाइन है ना, इथाइलीन डाइएमाइन, इसलिए पहले की बातें वेस्ट नहीं थी, काम में आती है ना। बात बाकी डाइएमाइन के बाद हमको वो लिखना है कोबाल्ट, फोर सल्फेट, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है ना। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, ऑक्सीडेशन नंबर इज टू, टू, ये फोर क्यों आया, मेरा फोर तो आएगा भैया, क्या यार गंदा वाला मिस्टेक, पावर ऊपर जीरो माइनस माइनस टू इसके ऊपर का चार्ज ही होता है, और ये हो गया टू, यानी कि प्लस फोर नहीं आएगा, क्या गंदा वाला मिस्टेक करते हो तुम लोग, ठीक है। और बोलो नाम बोलो, बिस 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 के बाद ना एक रिक्वेस्ट डालो कि यहाँ पे ना ब्रैकेट डालोगे, ठीक है, एक रिक्वेस्ट ऐड करो कि बिस के बाद एक ब्रैकेट ऐड करोगे, क्योंकि हो सकता है ना बिस के बाद डाई भी लगे ट्राई भी लगे, तो फिर उसको मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए एक ब्रैकेट डाला जाता है, जैसे कि यहाँ पर डाई लग जाएगा ना फिर, तो बिस और डाई में कॉन्क्लूड नहीं हो पाएगा चीज़ें हैं क्या, तो बिस तो हम किस लिए बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ डेंटिसिटी, और डाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही है डाई मिथाइल है ना, ठीक है, तो डाई मिथाइल, क्या नाम है इसका, ग्लाइऑक्सी मीट,
तो ये ग्लाइऑक्सीमेट बोलेंगे या ग्लाइऑक्सीमेटो बोलेंगे? वॉट इज दिस? दिस इज कैटायन और एनायन? न्यूट्रल है भैया, ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है? तो इसको भी याद रखो, ठीक है? मैंने बोला हर पॉइंट पे ना थोड़ी थोड़ी रूल्स इंक्लूड होगी, तो वो थोड़ा यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है? तो ये ब्रैकेट बंद हो गया, आप ब्रैकेट का काम ख़त्म, बाद बाकी सेंट्रल मेटल एटम, निकल और फोर, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। तो होमवर्क दे दिया जाए 10-15? हाँ, रोशन का तो सर दर्द हो जाता है भाई, ये गंदी गंदी चीज़ें क्या आ जाती है केमिस्ट्री में। तुम लोग जो 11th क्लास के IUPAC से रो रहे थे ना, रोशन तो लिटरली रो दिया था इतने क्लास में, तो वो, लेकिन इस बार के 10th वाले को जब पढ़ा रही हूँ मैं, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। 10th बोल रही हूँ, 11th को पढ़ा रही हूँ, उनको बहुत मज़ा आ रहा है करने में। उनको मैंने स्टार्ट ही करवाया IUPAC से, बाद में समझ में आएगा। ओके, चलो, फर्स्ट नंबर है K2ZnOH होल 4 माइनस 2। चलो दे भी दे रही हूँ, प्लस 2 माइनस 2 सब तो कर ही लोगे तुम लोग। सेकेंड CuH2O 2 NH3 होल 4 प्लस 2 Cl2 माइनस 2, ठीक है? 3 CO NCS, व्हाट इज NCS? बताया था मैंने? नहीं बताया था ना? सो दिस इज, नाम लिख लो, नहीं पता है तो, आइसो थायो साइनेटो ही होगा क्योंकि ये कैटायन का पार्ट है, तो साइनेट होता है, तो यू हैव टू इंक्लूड साइनेटो, ठीक है? और NH3 5 प्लस 2 Cl2 माइनस, ठीक है? देखो होता क्या है, इसका मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ, ये NCS है क्या? हम SCN लिखते हैं ना, ये देखे हो, ये तो देखे हो, ये जाना पहचाना है, व्हाट इज दिस? थायो साइनाइटो है ना, साइनाइड, थायो साइनाइड, बस इसका क्या किया है ना, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, उल्टा पुल्टा NCS, तो ये हो गया आइसो थायो साइनाइड, क्लियर है? बस ये डिफरेंशिएट हुआ है। ओके, फोर्थ नंबर कोबाल्ट NH3 4 H2O Br और NO3 2 माइनस 2 प्लस 2। देखो ये ना माइनस प्लस नहीं भी दे सकता है, याद रखना, प्रैक्टिस में डालो कि ये सबसे पहले मुझे करना है। PtEn NH3 2 NO2 Cl2। सिक्स नंबर प्लैटिनियम NH3 4 प्लस 2 प्लैटिनियम Cl4। देखो दोनों कॉम्प्लेक्स दिया मैंने, ठीक है? कुछ डरना नहीं है, इसका नाम अलग लिखो, इसका नाम अलग लिखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग निकालो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग निकालो और पुट करके नाम लिख दो, ठीक है? ओके, आई थिंक इतना काफ़ी है ना, और दे दे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, तो हमने मतलब मैं मान सकती हूँ ना, हो गया, थोड़ा बहुत हो गया। क्वेश्चन और मिलेगा, बुक में जाओगे तो बहुत तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी ट्राई कर लेना। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे कॉन्सेप्ट देना मेरा काम था, तो कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया ना। ओके, चलो फिर आज के लिए बाय बाय।